अरे भेज दो, नहीं देंगी मेरी मम्मी कुछ भी। तू मेरे लिए इतना नहीं कर क्या सकती है, बहुत दे दिया तुम लोगों को, इतना भी तुम लोग बस डिजर्व नहीं करते ऐसा कुछ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस, मेरे भाई की शादी होने वाली है, उसके रिश्ते रिश्ते आ रहे हैं ना, तो मेरे पास बड़ा बढ़िया आइडिया है। मैं आज अपनी बीवी को बहुत तंग करूंगा, क्योंकि मैं उससे बोलने वाला हूँ कि मुझे दहेज चाहिए और मेरे भाई को बहुत ज्यादा दहेज मिल रहा है, तो मुझे ना थोड़ा कैश मिल जाए, गाड़ी मिल जाए और बहुत सारी चीजें मिल जाए। तो देखो आप मैं उसे कैसे तंग करता हूँ और देखना वो मानती है या मेरे को मारती है। अब पता लगेगा, आप देखो आगे। क्या कर रहे हो बेबी? मैं ये पार्सल खोल रही हूँ। तुझे पता है अभी मेरे घर से फोन आया था, जान मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये बाद में खोलियो, इतना बड़ा पार्सल है, रोज तेरे पार्सल ही खत्म ना होते, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, बोलो, मैं सुन रही हूँ, ये भी मेरे बहुत काम की चीज है। काम की चीज है ना, सुन, मेरे घर से फोन आया था और मतलब अन्नू है ना छोटा भाई, तो उसकी शादी की बात चल रही है और वो मतलब उसका रिश्ता है और उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, मतलब 50-60 लाख का रिश्ता है। आगे हंस क्यों रही है तू? तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम लोगों की फैमिली में कोई भी रिश्ता 50-60 लाख से कम का होता है? मतलब मेरे डैडी बता रहे थे, वो झूठ थोड़ी बोलेगा अपने बच्चे से। तो यार पता है मेरे को ना थोड़ा सा डिग्रेडेड फील सा हो रहा है, मतलब डिग्रेडेड नहीं, मतलब मैं खुश हूँ अपने भाई के लिए, बट पता है क्या, देख उसका इतना अच्छा रिश्ता हो जाएगा, इतने पैसे मिलेंगे। अब बैठी ना तू ऐसे तुम ही टॉपिक पर, बताओ, पहले तुम्हारी सुनो। मेरी बात सुन, मैं क्या कहते हैं, अब उस डैडी से बात हुई तो डैडी कह रहे थे कि मतलब तेरी शादी बढ़िया थी, बट यार जैसे तुमने मेरे को ऐसी हुई दी तो उन्हें भी कम से कम एक हैचपैक तो दे सकते थे, छोटी गाड़ी, तो यार ऐसा अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे मेरे भाई है, उसकी शादी में कम से कम 2 गाड़ी मिल गई, तुझे पता है, तो और मम्मी को सेट भी मिलेगा अलग से है, तो मतलब अगर देख लालची आदमी, एक नंबर का लालची आदमी, मेरा मुंह मत खुलवा बिल्कुल भी। क्यों? कौन सी शादी देखी है मैंने आज तक ना, जो बड़े बड़े मंत्रियों की भी शादियां होती है ना, उसमें भी एक ही गाड़ी आती है, एक ही BMW आती है। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से एक क्रेटा मिल गई, उसमें खुश रहो। ये कौन सी बात हो गई कि एक डैडी को भी गाड़ी मिलती, मेरी मम्मी को भी अरे सोने का सर मेरी मिलता, जान, ये कहाँ की बात कर रहे हो मैंने आज तक मांगा तेरे से, मैंने कुछ भी बोला अपने मुंह से, जो करा तुमने करा ठीक है, बट यार पता है क्या, देख तू घर की बड़ी बहू होगी तो तू घर पे जाएगी तो तेरी कितनी इज्जत होगी, अब शादी के 1.5 साल बाद भी गाड़ी आ रही है और कितनी अच्छी फैमिली से है और ये, और मतलब सब लोग तेरे को कितने रेस्पेक्ट की नजर से देखेंगे, और तू जाएगी तो तेरा रुतबा होगा उस, मतलब अन्नू की बहू तेरे को कहेगी क्या यार बड़ी भाभी कितनी अच्छी। पैसे से इज्जत दोगे मतलब? और मेरी नजरों में तुम्हारे परिवार की क्या इज्जत हो रही है जब तुम्हारी मैं ऐसी बातें सुन रही हूँ कि उसे मतलब ये मिल रहा है, उसे वो मिल रहा है? तो तुम मेरे लोगों ने तो अपनी इज्जत मेरी नजरों में डुबो ली ना, मेरी सुनो, नजरों में तुम लोग कुछ भी नहीं हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डैडी को तेरी वीडियो भेज दूंगा, भेजना, जरूर भेजना, मैं भी दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं उनके मुंह पे सामने से कुछ बोल नहीं पाऊंगी, वीडियो ही बनाकर भेज दो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हारी बहू क्या क्या कह रही है। मुझे तो ये था तेरा रिएक्शन क्या होगा, ये रिकॉर्ड करना था, मैंने कहा अगर अच्छा बोलेगी तो डैडी को भेज दूंगा, ऐसे बोलिए। अच्छा अच्छा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अच्छा क्या बोल दूंगी मैं इस बात नहीं, में? क्या ये सिर्फ पार्सल वार्सल को छोड़ दे तू, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, खून खुलाने वाली बात है तुम पे, बस समझे अच्छा। तुम, और कोई तमीज की बात तो नहीं। नहीं तो तूने मेरी शादी क्या करने लगी है, क्या अपना काम करो ठीक है, मैं अपना कर लूंगा। तूने मतलब शादी में ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना वो हो रही है, क्या हो गया ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत अगर तू मेरी मम्मी को ऐसा सेट दे देगी ठीक है। शादी में तूने क्या कर दिया? हाँ 5-स्टार होटल में तुम्हारी शादी हुई है, हाँ। तुम्हारे घर में सारे लोगों को हाँ। ज्वेलरी दी गई है ठीक है, अच्छा। तुम्हारे छोटे भाई को जिसकी शादी तक नहीं हुई थी उसे तक अंगूठी दी है, हाँ। उसके बाद तुम लोगों को भी और चाहिए? यार यार सब गाड़ी बड़े तुम्हें मिल गई क्रेटा ठीक है, हाँ। 5-स्टार होटल में ही मेरी इंगेजमेंट भी, 5-स्टार होटल में ही मेरी शादी भी, उसके बाद तुम्हें और क्या जान चाहिए? कैश कैश होता है ना, देख मैं तुझे प्यार से कैश बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ कि कैश सबको अच्छा लगता है, अगर 10-15 लाख रुपए और आए थे ना, जैसे अन्नू गए उसे कम से कम 15 लाख रुपए आने कैश, तो देख तेरे पे तो यूज होगा हो, तो एक बार हमारी मम्मी से पूछ कर, मैं ये नहीं कह रहा कि तुझे फोर्स कर रहा हूँ, मैं तेरे से दहेज नहीं मांग रहा जान, मतलब देख हमारा इतना लंबा रिलेशन रहा, मैंने आज तक तुझसे 1 रुपया मांगा, जो तुमने करा अपनी मर्जी से करा ठीक है। पहले ही मांग लिया होता राजा, हाँ पहले से तुम लोगों ने प्लानिंग करी होगी ना कि पहले से अरे बचाओ, फिर मुझे शादी कर लो, मुझे किसी नहीं, बाप से मांगे मुझे नहीं पता था छोटे भाई, प्लानिंग। छोटे भाई की शादी में इतना पैसा मिलेगा, मुझे लगा मैं सस्ते में, मतलब सस्ते में ही नहीं थी, मतलब अच्छी थी शादी, सस्ते में नहीं बोलना चाह रहा था, मेरा मतलब वो था, देख मैं तेरा रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी सी वीडियो बनवा दे तो मेरी, मैं जो डैडी को भेज दूंगा वो तैयार है, तो भेज दो, नहीं देंगी मेरी मम्मी कुछ तू भी। तू मेरे लिए क्या इतना नहीं कर क्या है, सकती, बहुत दे दिया तुम लोगों को, इतना भी तुम लोग बस डिजर्व नहीं करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, बस तू मुझे 2 चीज दिलवा दे, एक डैडी को गाड़ी दिलवा दे, एक मम्मी के लिए सेट और 5-10 लाख ज्यादा हो, 5 लाख रुपए कैश दिलवा दे, फिर तेरी कितनी इज्जत होगी, तू देखियो तेरा मतलब मोहल्ले में रुतबा देखियो, तू जाएगी ना तेरे पैर दबाएंगे सब लोग आएंगे बोलेंगे, नहीं मजा चाहिए आएगा। ऐसी इज्जत पे ना, मैं सुसु कर दूंगी, मुझे सुसु, नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत। तुझे सुसु बहुत आ रहा है क्या? अब मैं सच बता रहा हूँ, देख तू हंस गई है, तो प्लीज एक अच्छी सी वीडियो बना दे कि हाँ डैडी मैं भेज दूंगा ना, कि कोई बात नहीं आपकी तो बहू हो, आपको क्या चाहिए? बड़े हरामी हो बेटा। बेबी सुन,
बेबी मेरी बच्चा देख तू मेरे लिए ना सिर्फ मेरे लिए एक बार एक वीडियो बना दे अच्छी से बोल दे कि मैं कोशिश करूंगी डैडी, मैं गारंटी ले लेती बट हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो तू इतना मेरे लिए नहीं करती, मैं अपने तेरे से कुछ मांगा था जिंदगी में, पहली बार तेरे से रिक्वेस्ट करो मेरे लिए एक बार बोल दे मेरी जान, गुस्सा मत कर। नहीं कर सकती और ना ही बोलूंगी, समझ गए? क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बोलेगी तू? तुम कैसी बातें कर रहे हो राजा, मैं 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, मैं दोबारा से जाके मम्मी को बोलूंगी मम्मी मुझे ये चाहिए, मेरे ससुराल वाले डिमांड कर रहे हैं, हम लोगों को कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं समझाऊंगा ना उन्हें कि हम समझाएंगे कि छोटे वाले के में ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कैश वैश आ रहा है तो पहली बात तेरी इज्जत के लिए मम्मी कर देंगी भाई। पहली बात छोटे वाले की में जब आ जाए तब मुझसे बात करना, क्योंकि मेरी नजरों में जितना मेरी में आ गया पूरे खानदान में नहीं आ पाएगा, ठीक है? अच्छा। दूसरी बात, अगर छोटे के में मुझसे ज्यादा आ भी रहा है तो मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो इज्जत का सवाल है। वैल्यू 1 लाख रुपए की 5 साल पहले थी, वो वैल्यू आज नहीं है। 5 साल कहाँ, 5 साल पहले 1 लाख, जो तेरी मेरी शादी अगर मुझसे 5 साल पहले हो रही है तो उस शादी की वैल्यू अलग होगी, 5 साल बाद वाली शादी में और ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा पैसे खर्चे लगते हैं। एक मिनट, हमारी शादी को 1.5 साल हुआ है, 1 साल के अंदर उसके होने ही लगी है, 10 जगह बातें करोगे तब 1 जगह कहीं जाके फिक्स होगी, जानती नहीं हूँ क्या मैं? कैसी बात कर रही है मेरी जान, तुझे मेरे को भरोसा नहीं है? मुझे सब लोगों पे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब हो जाए तब बात करेंगे, फालतू का मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। और तू जो इतने खर्चे करती है मुझे जरूरत पड़ती है, मतलब मेरे भी हाथ थोड़ा तंग है, कभी कुछ नुकसान हो जाता कभी कुछ नुकसान हो जाता, तो थोड़े बहुत कैश ही मंगा ले तो थोड़ा बहुत, मतलब ये तो होगा कि हम के बस की, मतलब एक बीवी की जिम्मेदारी उठाना नहीं था तो तुमने बीवी से शादी क्यों करी मेरे से, ये बीवी से ना करता तो मैं बहू से करता? नहीं तो मुझे एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारे बस की नहीं है एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना तो तुम्हें शादी का और तुम्हारे परिवार को इतना शौक क्यों था? मेरे घर वाले तो अभी भी 2-3 साल रुक कर शादी करते हैं मेरी, और बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। उम्र देखी तूने, बुड्ढी हो गई, मेरी तो सही है, तुम्हारे घर वालों ने तंग कर रखा था तुम्हें शादी के लिए, मेरी तो बिल्कुल सही है, अभी भी 3 साल बाद शादी करती ना तो भी नई नवेली दुल्हन लगती, कहीं ना लगती तू चूड़ी पहने की तुम्हारी, तो चूड़ी क्या ना भी पहनूंगी तो कुंवारी लगूंगी, देख सुन मैं खड़ा खड़ा थक गया हूँ, एक वीडियो मेरी प्यार से बनवा दे, कितने नहीं देगी बहू कुछ भी, कितने 1 रुपया भी नहीं देगी बहू, देख फाइनल डीलिंग कर लेते हैं, बहू के मायके से 1 रुपया, 1 सोने का 1 कत्तर, 1 कपड़े का 1 कत्तर कुछ भी नहीं आएगा, सोने का 1 कत्तर होता है कुछ भी नहीं आएगा, बावली हो गई बिल्कुल, दिमाग चल गया तेरा है। अब तू मेरी बात सुन, डील कर लेते हैं ना 10 लाख ना 5 लाख, 4 लाख पे डील कर ले, और मेरे लिए एक अंगूठी, देख मेरे हाथ देख मेरे सोने सोने से लग रहे, मतलब 3 ही अंगूठियां, 4 अंगूठियां देखी, 4 हाँ चल 4 मान ले, 4 अंगूठियों में भी हाथ अगर खाली रह रहे हैं, पहनी तुझसे एक भी नहीं जाती हाँ। उसमें तेरे जिम में दबा के ले आते हो सोने की अंगूठी, तो उससे फालतू की बात मत करना, रखना वखना कुछ आता नहीं है, बातें तू सेट नहीं दे सकती तो मम्मी को मेरी 3 अंगूठी दे दे, ठीक है, और मेरे को कुछ कैश चाहिए और डैडी के लिए कुछ ना कुछ, मतलब गाड़ी यार तुम्हारे पास की स्विफ्ट मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी भी गाड़ी है तुम खुद नहीं खरीद सकते, तुम्हारे डैडी खुद नहीं खरीद सकते, मेरे डैडी ने सब कुछ कर दिया, लड़का बड़ा कर दिया, बीटेक करा दी, पढ़ा दिया, जॉब बड़ा करा ही नहीं, मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं, हम तो ऐसी फूंक मार के बड़े हो गए, हवा भर गई हमारे अंदर एकदम, पहले तो जन्म हुआ था हमारा, 4th दिन शादी, कितनी चवर चवर जवान चल रही है, इतनी अपनी मम्मी से चला ले तो पैसा आ जाए, इतना नहीं कर सकते मेरे तो, इतनी जुबान अगर तुम अपने डैडी से चला लो ना एक बार मेरे लिए स्टैंड ले लो कि डैडी ये बात गलत है, आप कैसे अपनी बहू को ये बात बोल सकते हो, या फिर क्यों बहू से कहाँ बोलिए लड़के से बोलिए, तुम मुझसे कैसे बोल सकते हो जब एक बार उसकी मम्मी ने कर दिया तो कर दिया, अरे तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी कि मेरी शादी जैसी रॉयल होगी नहीं, मेरे भाई की ज्यादा की हो रही है तो अब तुम्हारी मेरे जैसी रॉयल ना, रॉयल तू भी रॉयल, तेरी शादी भी रॉयल, कितना सॉलिड, सही कर दूंगा तुझे, पैसे मंगा ले बता रहा हूँ तुझे, डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुना है? तू मेरे पर केस करेगी? बिल्कुल, तुझे शर्म नहीं 9 साल का रिलेशन केस करेगी? पुलिस वाले की लड़की हूँ मैं, कौन सा केस कहाँ लगा दूंगी ना, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस वाले की लड़की है तो वही तो सॉलो, कहाँ का कहाँ फंसाऊंगी ना, याद रखूंगी पूरी फैमिली याद, तूने 9 साल से पंगे मत लो राजा, पंगे मत, 9 साल से बिल्कुल भी 9 साल से भूलो मत किस खानदान से आती हूँ मैं, किस खानदान से, बहुत बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है मेरे, समझे तेरे क्या रिकॉर्ड है, मेरे कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे घर वालों के बहुत रिकॉर्ड है, बता रही हूँ क्या क्या रिकॉर्ड है, 8-9 साल से तुझे देख रहा हूँ, इतनी प्यारी है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी सुशील है, आज तक तो वो नहीं, तेरा पहला बॉयफ्रेंड मैं हूँ, शादी मैंने कर ली, तेरे क्या रिकॉर्ड हो गया, तेरे घर वाले को रिकॉर्ड और बता मुझे क्या रिकॉर्ड है, हैं हंसने लगी चल बच्चा तू हंस दिया, एक वीडियो बनवा दे कि डैडी आपकी सारी मांगे पूरी कर रही हूँ मैं, और जैसा आप कह रहे हो मैं आपके चरणों में लेटती हूँ और आपकी सबसे अच्छी बहू बनकर मैं दिखाऊंगी, बड़ी बहू इज द बेस्ट बहू, बता दो कितने पैसे, चेक मंगा ले तू, कैश नहीं तो बस की तुम्हारे, डैडी बड़ी बहू इज द बेस्ट बहू, ये बात
बात आप जरूर रियलाइज करोगे, अभी नहीं करोगे तो 6 महीने बात करोगे, बट जरूर रियलाइज करोगे। अपने मुंह से मैं ज्यादा बोलूंगी जिस दिन खुद रियलाइजेशन हो जाए, आप खुद मेरे मुंह पे आके बोलोगे कर लो तू ना करवा मेरी वीडियो। चलो राजा यार, लेकिन सच में हद हो गई यार, कितना लालची खानदान है यार, कितने लालची लोग। अरे क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है यार, शिट कहाँ जा रही है। मैं अपनी मम्मी को किस मुंह से बताऊंगी, काम कर मेरे मुंह से बता दे, मैं कर दूंगा फोन। मैं दीदी को बताती हूँ तुम लोग क्या क्या बातें कर रहे हो, कम से कम वही मेरा। तो तेरी दीदी पैसे दे देगी, तेरी दीदी जॉब करती है, अच्छी सैलरी है उसकी, लाखों रुपए सैलरी है, एक हाथ तो उनसे भी ले ले। तेरा जीजा बढ़िया सरकारी नौकरी में, 50-50 हो देगा, हो जाएगा कम, थोड़ा करके थोड़ा मम्मी से थोड़ा भाई से 50-50 लाख मंगा ले, हो जाएगा अपना काम बढ़िया। मजाक क्यों करूंगा मैं तेरे से, दीदी को फोन करके ना ये सारी बातें बताऊंगी। क्या बताएगी, कैसे क्या बात कर रही है, फोन मत मिला दियो, सुन वो जान मत कर, मेरी बेइज्जती कराएगी तू, मेरी डैडी की बेइज्जती कराएगी, मजाक करो, जान प्रैंक है, मैंने कोई बात ना करी, तू मेरा फोन चेक कर ले, तेरी कसम मैंने प्रैंक रिकॉर्ड करा, मेरी देख लियो, तेरी कसम मैं तुझसे दहेज लूंगा मेरी जान, आज से तो तेरे पलकों पर बिठा के रखा है मैंने। हाँ सच में जान, मैंने तुझे मैंने कितने प्यार से रखा, आज तक 1 रुपया मांगा तुमसे सालों, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, दहेज तो तेरे लिए मैं दूंगा मेरी जान, आई लव यू, मैं भी आ जाऊंगा इसमें, गाइस ये हाथ आ गया, दहेज चाहिए ले दहेज, और चाहिए लो, बाय गाइस।